शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यायालय और तहसील परिसर से लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने बाइक चोरों की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश समस्त थाना प्रभारियों को दिए। इस पर कोतवाली थाना प्रभारी विनय यादव को न्यायालय और तहसील परिसर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की लोकेशन से निवास क्षेत्र की ओर दिखाई दी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पता चला कि 18 फरवरी को महोत्सव गार्डन से बाइक चोरी करने वाला चोर सिंह निवास पुल के पास बैठा है। इस पर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल मौके से और दो अन्य मोटरसाइकिल उसके घर से बरामद की है। बरामद तीनों मोटरसाइकिलों की कीमत 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी से चोरी की अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। न्यायालय परिसर से आए दिन सूचना मिल रही थी कि कुछ बाइकें चोरी हो रही हैं, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार थाना प्रभारियों को निर्देश दिए थे। इसके तारतम्य में आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल चोरी के कहीं ले जाने की फिराक में खड़ा हुआ सिंह निवास पुल के पास। तभी थाना कोतवाली की टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिस पर से एक मोटरसाइकिल वक्त समय पर जब्ती की गई। बाद अन्य पूछताछ करने पर उसने दो बाइक चोरी करना और बताया, जिसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्धता पूर्व में जिसे न्यायालय परिसर में पेश किया जा रहा है। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।